हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर सिस्टम। तो नंबर में क्या छुपा हुआ है? नंबर छुपा हुआ है। यानी इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड में, दुनिया में जितना भी इंट्रोड्यूस नंबर है, जितना नंबर हमको मालूम है, उसे एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम रखा गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, उनको इस भाग में बांटा गया है। ठीक है, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया रियल नंबर और एक को कहा गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक हो गया रियल नंबर और एक हो गया इमेजिनरी। नाम से ही पता चल गया होगा क्या कहना चाहता है। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि यदि कोई नंबर लाइन है ना, तो उस पर हर एक पॉइंट का एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू होगा और वो रियल नंबर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आएंगे, है ना, बीच में जीरो होगा। इधर जितने भी नंबर आ जाएंगे, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इधर जितना भी नंबर आ जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी तक, है ना। हर एक तरह का नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। यानी नंबर लाइन पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी, इधर का कोई अंत नहीं मालूम है, इधर का कोई अंत नहीं मालूम है, बीच में क्या है? ज़ीरो। तो ये सब मिल करके क्या किसका ग्रुप बनाते हैं? रियल नंबर का ग्रुप बनाते हैं। कोई तकलीफ है आपको समझने में? ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, कंपटीशन में नहीं आता है उतना ज़्यादा, बट बेसिक अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे? सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ सकता है, इमेजिनरी नंबर का साइन क्या होता है? तो उसका साइन होता है आयोटा, जिसको डिनोट आई से किया जाता है। पढ़ा क्या जाता है? आयोटा। ठीक है, ये एक साइन होता है। और सवाल क्या पूछ सकता है? बोलेगा कि आई का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है क्या? माइनस वन। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर माइनस वन। और आपको लग रहा होगा कि रूट अंडर तो हम पढ़े हुए हैं, ये रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन आपने रूट अंडर वन पढ़ा है, नॉट रूट अंडर माइनस वन पढ़ा है। रूट अंडर माइनस वन का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो वो सिर्फ इमेज करा गया है कि भाई फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, ऐसा नंबर कोई आएगा, है ना, नया जनरेट होगा, तो उसको इस कैटेगरी में बांटा जाएगा या इस कैटेगरी को हटा करके उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना। तब तक हम सिर्फ इमेजिनरी थिंकिंग कर रहे हैं कि कोई एक नंबर आएगा जो आई का क्या करेगा? जगह पकड़ेगा, है ना। तत्काल हमने जाना कि आई बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? माइनस वन। और आई बराबर रूट अंडर माइनस वन। रूट अंडर माइनस वन का वैल्यू क्या होता है अगर कोई पूछ ले, या रूट अंडर माइनस फोर का वैल्यू क्या होता है पूछ ले कोई, तो जवाब आप दे पाइएगा? रूट अंडर माइनस फोर का वैल्यू क्या होगा बताइए? जवाब है आपके पास? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अगर आप 2 लिखिएगा तो सिंपल सी बात है कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, माइनस 4 आना चाहिए, आता है क्या? नहीं आता है। या माइनस 2 में माइनस 2 से अगर माइनस 2 भी हम लिख दें तो माइनस 2 में माइनस 2 से गुना करने पे माइनस 4 आता है क्या? नहीं। तो एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको क्या कहा गया कि वो इमेजिनरी नंबर के क्या में है? ग्रुप में है। समझ में आपको आया? ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इमेजिनरी नंबर को अब छोड़ देना है, अब बात करना है रियल नंबर की। रियल नंबर को हमने जाना कि नंबर लाइन पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्याएं हैं जो हर एक पॉइंट को क्या करती हैं? डिनोट करती हैं नंबर लाइन की, है ना, उनको बाद में दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को कहा गया है कि ये रेशनल है और एक को कहा गया है कि ये इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर में इनको बांट दिया गया है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है मालूम होगा आपको? रेशनल नंबर उन्हें कहा जाता है, वैसे नंबर को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और क्या इनकी खासियत होती है? पी एंड क्यू जो होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है वो आगे आपको मालूम चल जाएगा। इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर्स जितने भी होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ऐसे आगे बता दूंगा। तो पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर्स, आपको मालूम भी होगा। और एक और खासियत इसकी होती है कि नीचे वाला जो होता है क्यू, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। आपके मन में सवाल होगा
कि नीचे जीरो क्यों नहीं कहता है, क्योंकि अगर नीचे जीरो लिखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं होती है वो समझिए। यदि ऊपर लिखा हुआ है 8 और नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 से कितना टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है 4 टाइम्स। लेकिन यदि कोई ऊपर नंबर लिखा हुआ हो और नीचे जीरो लिखा हुआ हो और आपसे कह दे कि जीरो का टेबल पढ़िए और ऊपर वाला कोई नंबर लगे, तो आप कभी भी नहीं ला सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 01 जा 002 जा 003 जा 0। तो ये जो आता है वैल्यू, यानी कोई भी संख्या 5 हो जाए और उसके नीचे 0 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं, अनडिफाइंड, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आपको आया? इसलिए क्यूब इज नॉट इक्वल देन 0 होता है। कोई तकलीफ? ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में और जानते हैं। अगर आपको कह दे कि रेशनल नंबर पहचानिए, तो कैसे आप पहचानिएगा? रेशनल नंबर का अलग अलग रूप होता है। एक रूप हमने जान लिया कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अगला रूप क्या है ये जानते हैं। रेशनल नंबर का अगला रूप ये होता है कि यदि आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर किसे कहा जाता है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला भाग को, और उसमें जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, है ना, तो संख्याएं आ जाती हैं डेसिमल के बाद, या नहीं भी आती हैं बहुत बार, तो डेसिमल के बाद हम जीरो मान लेते हैं। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा आता है ये ध्यान रखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है रेशनल नंबर का, वो आता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके बाद रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिक्यूरिंग भी कहा जाता है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ हो और आपसे पूछ दे कि रेशनल नंबर है या नहीं है पहचानिए, तो आप ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कुछ उदाहरणों के साथ इसको बताया जाए, तो बिल्कुल चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेने वाले हैं, 1/2। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? हाँ। क्या पी एंड क्यू इंटीजर है? तो इंटीजर मालूम होगा, बिल्कुल है। और क्यू इज़ नॉट इक्वल देन जीरो, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है क्या वो जीरो है? तो बिल्कुल नहीं है, मतलब सारे पैमाने पे है, तो रेशनल नंबर तो पक्का है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, तो जब डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालते हैं तो क्या आता है, 0.5 का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद 5 से लगा कोशेंट, है ना, और उसके बाद आर का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो कुछ समय के बाद जब भी R का वैल्यू ज़ीरो आ जाए, है ना, डिवाइड में, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। डिवीज़न में यदि कुछ समय के बाद R का वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो कोई भी डिवीज़न में अगर R का वैल्यू ज़ीरो आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ में आपको आ गया? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग थोड़ा समझते हैं किसे कहा जाए। तो आपने देखा होगा, ये एक उदाहरण आप लेते हैं, 1/3 इसको ले लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.3, ऐसा वैल्यू कुछ आता है, 0.33 ऐसा, ठीक है, ये वैल्यू आता है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जीरो आने वाला नहीं, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। 3 में 1 से डिवाइड करिए, 0 यहाँ पे बैठेगा एक 0 लगाने पर, और पॉइंट फिर 3 3 या 9, फिर 1 आएगा, फिर 3, ऐसे बढ़ते जाएगा, और कभी भी 0 रिमाइंडर नहीं आता है। तो जब कभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ एक और शर्त होना चाहिए, और वो क्या, कि वो रिपीटिंग होना चाहिए। क्या ये रिपीटिंग है? क्या ये रिपीटिंग है? तो आप देखोगे 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। या ये भी क्या है? रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन को देखना, ये तो फ्रैक्शन में है तो पक्का होगा। इसमें डेसिमल को देखें, 5 के बाद समाप्त, R0 आ गया, ठीक है, इसमें R0 नहीं आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग।
लेकिन रिपीट कर रहा है, इसलिए रेशनल। और एक ऐसी आएगी संभावना आगे जा करके, कैसा आएगा, जब आर बराबर जीरो नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तब क्या होगा वो हम जानेंगे आगे जब हम ई रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तत्काल हमने जान लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का किस तरीके का होता है और कैसे पहचानते हैं। कोई और फॉर्म में रहेगा तो रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, तो मान लीजिए रूट के फॉर्म में है, तो रूट के फॉर्म में वन जो होता है, अगर हम इसको जांचें, अगर हम रूट टू को जांचें, अगर हम रूट फोर को जांचें, तो आप ये देखोगे कि रूट अंडर वन है, तो वन को वन का स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर से रूट कर जाता है, आपको मालूम होगा, तो ये वन आपका रेशनल नंबर है। इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बदल सकते हो, है ना, टू को स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ी बदल सकते हो, किसी का स्क्वायर टू थोड़ी होता है, फिर बोलोगे रूट टू का स्क्वायर तो बात बराबर हो जाएगी फिर। तो रूट टू जो है उसको आप पी बाई टू के रूप में नहीं बदल सकते हैं, या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये वन का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे फोर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टू, और टू के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, तो इसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल देन जीरो। इसका मतलब कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट इस वाले को आप, है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, पता है क्यों, पता है क्यों, क्यों, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, बोलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है, तो ये तरीका होता है कैसा, टू का निकालना है तो टू लिखे, इसके बाद डेसिमल बैठा दिए और जोड़ा लगा दिए ऐसा, ठीक है, और वन वन जा वन ऐसा लगाए, यहाँ पे टू आया, वन आया, टू वन जा वन, यहाँ पे जब भी उतरेगा ऊपर से जोड़ा पेयर, डबल ज़ीरो, यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो उतार रहे तो पॉइंट उतार दिए, अब जब भी लगता है तो ऊपर नीचे सेम लगता है तो कितना हो जाएगा बताइए, फोर हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, और ये 96, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, फिर डबल ज़ीरो उतरेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, तो 1.414 और ऐसे समथिंग आता है ना, 1.414 और बाद में आते रहता है, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो समाप्त नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। एक तो रिमाइंडर जीरो ना आना भी पहचान है, और एक है कि बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो ये भी एक पहचान है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर इसमें भी जीरो नहीं आएगा, है ना। अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, या इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं कि 1.44 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ क्या ये रिपीटिंग है, आप ध्यान से देखो। तो इसके बाद जब आप निकालोगे ना ऐसे, तो आप देखोगे कि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन रिपीटिंग भी। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होता है तो उसे रेशनल नंबर नहीं कहा जाता है, तो फिर उसे क्या कहा जाता है, इरेशनल। तो ये आगे बताने वाला था, बट चलिए अभी समाप्त हो जाए तो ज़्यादा बेटर। तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। बड़ा ही आसान भाषा में, समझ गए। तो ये रूट अंडर वन हो जाएगा, रूट अंडर टू नहीं होगा, रूट अंडर फोर हो जाएगा, और इसके अलावा जो रूट अंडर टू बच गया वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दे रहा है डेसिमल एक्सपेंशन इसका, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट है यहाँ पे, और अगर मान लीजिए 27 है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है बताइए, 3, 33 या 9, 3 या 27, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर का उदाहरण। तो परफेक्ट क्यूब रहे या परफेक्ट स्क्वायर रहे, वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। और जो इम्परफेक्ट क्यूब है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, वो सब क्या है बताइए जल्दी, वो सब इरेशनल नंबर है। बोलिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इरेशनल और रेशनल नंबर को पहचान लिया क्या होता है, अब हम लोग रेशनल नंबर को और कैटेगरीज में बांटते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है उसको बांटा जाता है किस में, इंटीजर्स में, उसके बाद किस में, होल नंबर, और उसके बाद किस में, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर में रेशनल नंबर को
क्या किया जाता है, बांटा जाता है आगे जा करके। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इंटीजर किसे कहा जाएगा, पहले स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, काउंटिंग नंबर को कहा जाता है। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और ये कभी समाप्त नहीं होता तो इन्फिनिटी हो जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट पता नहीं, इन्फिनिटी बोल सकते। होल नंबर क्या होता है, तो जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर, तो जीरो तो इसमें इंक्लूड कर लेंगे, बाद में 1 2 3 और डॉट 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 और इन्फिनिटी सेम। इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। इंटीजर की बात कर लेते हैं, इंटीजर में क्या हो जाएगा, बीच में जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा लास्ट में इन्फिनिटी, और अगर इधर बढ़े 1 2 3 डॉट 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 तो इधर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इंटीजर में कोई कहा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, इन्फिनिटी, लार्जेस्ट क्या है, इन्फिनिटी, और बीच में क्या हो जाता है, जीरो। समझ में आपको आया, तो यहाँ पे आपने रेशनल नंबर पकड़ लिया हो। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऐसा एक सवाल आता है। तो उसको जानने का एक तरीका है, देखिए ये वाला जो गोला है यदि नेचुरल नंबर को दिखाता है तो एक और गोला बनाइए, और ये गोला किसको दिखाएगा, होल नंबर को। एक और गोला बनाइए, ये किसको दिखाएगा, इंटीजर को। एक और गोला बनाइए, और ये किसको दिखाएगा, रेशनल नंबर को। एक और गोला बनाइए, ये किसको दिखाएगा, रियल नंबर को, ठीक है ना। और एक और गोला बनाइए जिसमें ये क्या हो जाएगा आपका, सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ट्रिक है बड़ा ही आसान कि इधर से इधर अगर कोई कहे या बोले कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर तो बोलेंगे यस, और जब इधर से इधर कह दे तो फॉल्स, इधर से इधर कहे तो ट्रू, इधर से इधर कहे तो फॉल्स। ये है रूल है, इसको ध्यान में रखना है। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर तो बोलेंगे यस, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये दिमाग अगर आपके पास होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है वो इन तीन भागों में बांटे गए हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और क्या, रेशनल नेचुरल नंबर, ठीक है। बाद में देखा गया कि नंबर्स को और कुछ कुछ भागों में, पार्ट्स में बांटा जा सकता है, स्पेशल सेट बनाया जा सकता है। जैसे एक हो गया आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं मालूम होगा आपको, और इवन नंबर किसे कहते हैं ये भी मालूम होगा। ऑड नंबर उसे कहा जाता है सो दो से डिविजिबल जो नहीं होता, कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6, और यहाँ पे लिख देंगे विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों आप यूज कर सकते हैं, है ना। और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है ऑड नंबर का। जब नंबर्स का ही अंत नहीं है तो ऑड नंबर का कैसे अंत होगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों में रहेगा तो ऑड नंबर कहलाएगा। इवन नंबर में वैसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ, 1 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी। और सेम हम लिखेंगे क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, अगर ये रहेगा तभी उसे कहा जाएगा इवन नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों रहेगा तो कहा जा सकता है, यानी +10 है तो इवन नंबर है और -10 है तो नहीं है, बिल्कुल है। तो -10 भी रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कह सकते हैं, बोली कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 0 को पॉजिटिव इंटीजर क्यों माना जाता है। मान लीजिए सवाल एक, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, बताइए 0 क्या है, ऑड है इवन है, जवाब का क्या होना चाहिए, इवन है। कोई बोल दे, अगर कोई पूछ दे कि बताइए इसके पीछे रीजन क्या है, तो आपका रीजन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको ये मालूम होगा, यदि कोई इवन नंबर है और जब उसमें जोड़ा जाता है क्या, बताइए इवन, तो रिजल्ट क्या आता है आपका, इवन आता है, ठीक है। आप ट्राई कर लो, आप कोई भी नंबर ले लो और देख लो जांच करके कैसा होता है, ठीक है। दूसरा, यदि कोई ऑड नंबर है और यदि कोई एक और ऑड नंबर है जोड़ेंगे तो क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, कि यदि कोई इवन नंबर है और अगर उसमें ऑड जोड़ेंगे, यदि कोई इवन नंबर है और उसमें जब अगर ऑड जोड़ेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन प्लस ऑड। कोई भी नंबर जोड़ के देख लो, ऑड हमेशा आता है, ठीक है। ये जांच करके आप देख लीजिए, ये फॉलो करता है। कोई भी नंबर आप देखिए, 2 4 6 सब इवन। यहाँ पे देखिए हमने 5 यूज किया है, 2 यूज किया है, 5 और 3 यूज किया, ठीक है। तो 5 और 3 दोनों ऑड है, और 8 आया इवन आया, एक मैंने इवन ऑड यूज किया मतलब 4, और यहाँ पे 3, तो 4 3 क्या आ गया, 7, देखिए ऑड आया। तो ये क्रिटेरिया फॉलो करता है, आप ये जांच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि हमने 0 को इवन माना हुआ है, सपोज हमने 0 को ऑड मान लिया, अब इसको हम गलत साबित कर देंगे तो हो जाएगा काम,
बिल्कुल, तो हमने जीरो को ऑड माना है, लेट किया है, ठीक है ना, लेट भी जीरो बराबर ऑड, ठीक है। अब ऑड है तो कैसे मतलब चेक होगा, वो जांच कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इवन नंबर के जगह पे कोई संख्या लिया, इवन नंबर के जगह पे हम क्या ले सकते हैं बताइए, दो ले लिया हमने, टू, और प्लस इवन क्या होगा, माइनस टू भी तो हो सकता है, और दोनों को जब हम घटाएंगे प्लस है माइनस है तो रिजल्ट क्या आता है आपका, जीरो। तो ये तो इवन है, देखिए मैच कर रहा है इवन, मैच कर रहा है इवन, बट यहाँ पे ये इवन है और ये तो हमने माना हुआ है ऑड, तो ये मैच नहीं कर, कोई दिक्कत आपको समझने में, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, हमने जीरो को ऑड माना हुआ है तो हम यहाँ पर ऑड के जगह पे जीरो लिख लेते हैं, तो हमने जीरो लिख लिया, प्लस एक ओरिजिनली ऑड जो होगा उसको ले लेते हैं, जीरो प्लस थ्री, तो रिजल्ट कितना आया, थ्री, आना क्या चाहिए था, इवन, तो ये भी क्रिटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, बोलिए यस और नॉट। फिर आते हैं ये वाला चेक कर लेते हैं, इवन प्लस ऑड को चेक कर लेते हैं, तो इवन के जगह पे क्या लेंगे हम, कोई ले लेंगे, फोर ले लिया मैंने, ऑड के जगह पे हमने क्या ले लिया, जीरो, क्योंकि ऑड जीरो लेना है, और बराबर क्या आया रिजल्ट, फोर, आना क्या चाहिए था, ऑड, आया क्या, इवन, यानी ये क्रिटेरिया भी फॉलो करता नहीं है, ठीक है। देखा आपने, हमने जैसे ही जीरो को ऑड लिया, ये सारे जो क्रिटेरिया वो फॉलो करता है ओरिजिनली, वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही हम जीरो को ले लेंगे, क्या, जैसे ही हम जीरो को ले लेंगे इवन नंबर, तो वो सारे क्रिटेरिया फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर जीरो बराबर क्या मान लेते हैं कि वो इवन नंबर है, ठीक है। अब देखिए वो फॉलो करेगा, यदि जीरो इवन नंबर है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोई भी इवन के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, जीरो बैठा सकते हैं, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे मैंने जीरो बैठा है, और एक ओरिजिनली इवन लिया तो जीरो प्लस फोर क्या आ गया, जीरो, मतलब फोर आया, इवन 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 फॉलो किया, सही मान लीजिए, ऑड ऑड कोई चुनिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, लेकिन मुझे जीरो से डिनोट करना है, जीरो को दिखाना है, तो हम कोई दो ऑड लेंगे जो क्या हो, प्लस, पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, तो प्लस थ्री माइनस थ्री, ये दोनों ऑड हैं, और रिजल्ट क्या आया आपका, जीरो, और जीरो क्या है, इवन नंबर, तो इवन मारने पर ये सही होगा। इसमें देखिए इवन अगर आपको जीरो लेना है तो मैंने लिया जीरो, यहाँ पे मैंने फिर ऑड लिया यानी कितना, थ्री, रिजल्ट कितना आया, थ्री, और ये क्या आया, ऑड, और लाना कितना था, ऑड ही, तो ये फिर क्रिटेरिया वो क्या कर रहा है, फॉलो। तो जैसे ही हमने उसको ऑड लेके मानना शुरू किया था तो वो गलत फॉलो कर रहा था, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, और जैसे ही हमने इसको इवन माना वो रूल फॉलो करने लगा, इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है, इवन इंटीजर है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जितने भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स को फिर बांटा गया है किन भागों में, फिर और कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें देखते हैं कौन कौन ग्रुप, जो भी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको ग्रुप में बांटा गया है, कौन कौन सा ग्रुप है, एक है प्राइम नंबर, एक है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ट्वीन प्राइम, ट्वीन प्राइम न लिख करके हम उसको ऐसे बोल देते हैं, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ट्वीन प्राइम, और एक और है आपका क्या, को प्राइम, ये आगे और पीछे हो गया है, इसको देख लेंगे, और एक और आपको नंबर पढ़ना है, उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट बोलने से स्क्वायर आ ही जाता है, तो परफेक्ट नंबर, ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिवली प्राइम, ट्वीन प्राइम, को प्राइम, परफेक्ट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट मतलब क्या होता है बताइए, भाज्य, रिलेटिवली मतलब होता है क्या, संबंधित भाज्य बोल सकते हैं, ट्वीन प्राइम मतलब जुड़वा भाज्य, को प्राइम मतलब होता है सहाभाज्य, और परफेक्ट नंबर मतलब क्या होता है, संपूर्ण संख्या, ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। तो हिंदी वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिवली प्राइम, ट्वीन प्राइम, को प्राइम जो भी है वो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, और इसको और अच्छे तरीके से जानते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होगा बताइए, द नंबर विच हैज
वनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर। फैक्टर उसे कहा जाता है जो उस संख्या को पूरी तरीके से काट दे, ठीक है ना। और एग्जांपल में वो कौन कौन सा होगा? एक तो वन होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, वन और इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब कि वो नंबर अपने आप को काटेगा। तो दुनिया में कोई भी नंबर है उसको वन जरूर काटता है ना, और कोई भी संख्या है वो अपने आप को जरूर काटता है। तो ये काटना कुछ काटना हुआ नहीं ना, कोई अलग संख्या काटे तब ना काटे, मतलब मज़ा आए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वन और इटसेल्फ, तो कौन कौन एग्जांपल में आ जाएगा, कौन सा ऐसा संख्या है? वन है, तो वन के कितने फैक्टर हैं? सिर्फ वन है, होने कितने चाहिए, है ना। द नंबर्स विच हैज वनली फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, ये बोलेंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए? एक ये और एक ये, तो आप यहाँ पे लिखोगे वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। एंड लगा दो और लगाने से लगा कि एक ही है, तो एग्जांपल में क्या होगा? वन तो हो नहीं सकता क्योंकि वन के पास सिर्फ वन फैक्टर है, तो दो होगा। क्यों? क्योंकि दो के पास दो फैक्टर है, एक वन और एक टू। थ्री होगा, थ्री के पास दो फैक्टर है, एक वन और एक थ्री। फाइव होगा, दो ही फैक्टर है, वन और क्या है, फाइव है। तो ये सब क्या आ जाएंगे? आपके प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? इसमें जो फैक्टर होगा आपका क्या होगा? मोर देन टू होगा। इसमें वन और इटसेल्फ के अलावा मोर देन टू, तो वन, तो वन के पास तो वन ही है, तो मोर देन टू का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एवन ही करेगा। टू थ्री तो हो गया, अब बच गया था फोर, तो फोर देख लेते हैं। फोर के पास कितने हैं फैक्टर? वन टू फोर, कितने हैं? मोर देन टू, वन टू थ्री मतलब मोर देन टू, यानी ये हो गया। तो इसको हम स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ छूटा गया है, अब ध्यान से देखिए। टू हमने चुना, थ्री हमने चुना, फाइव चुना, फोर चुना, वन नहीं, वन हमने नहीं चुना है। तो वन जो होगा उसको बोला जाता है नाइदर प्राइम, है ना, नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर कितने होते हैं? सिर्फ वन। प्राइम का डिफिनेशन है दो फैक्टर होने चाहिए, और फैक्टर कंपोजिट का कितने फैक्टर होने चाहिए? मोर देन टू होने चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब रिलेटिवली प्राइम पे आते हैं। इसमें कितने नंबर्स होते हैं? टू प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर लिखा हुआ है और रिलेटिवली है, तो दो को करना पड़ेगा ना, तो टू प्राइम नंबर्स, है ना। हम बोल सकते हैं जिसका एच सी एफ कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए, है ना। दो प्राइम नंबर हो जिसका एच सी एफ क्या हो? वन हो, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? रिलेटिवली प्राइम किसे कहते हैं? जो दो नंबर हो, है ना, दो प्राइम नंबर हो और जिनका एच सी एफ कितना आता हो? वन आता हो, ठीक है। या दो प्राइम नंबर न लिख करके हम सिर्फ बोलेंगे दो नंबर हो जिसका एच सी एफ कितना आता हो? वन आता हो। अगर हम प्राइम नंबर लिख देंगे तो उसका एच सी एफ तो वन भी करेगा। तो टू नंबर्स जिसका एच सी एफ वन आए उसे हम रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। जैसे मान लीजिए टू नंबर्स है, उसका एक ए है और एक बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद को प्राइम जान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर जो होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम। कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका एच सी एफ वन है, वह करता है, एग्जाम में लिखा रहता है कि एच सी एफ। तो यहाँ पे दो नंबर जब हम एच सी एफ वन लिख दिए हैं, तो यहाँ पे को प्राइम में आपको एच सी एफ वन लिखने की जरूरत नहीं है। दो प्राइम नंबर कोई भी जोड़ा ले लीजिए, वो को प्राइम होगा। लेकिन ट्विन प्राइम में भी क्या होगा? टू प्राइम नंबर होगा, टू प्राइम नंबर होगा। लेकिन इसमें खासियत ये होगी कि मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ये दो प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बी माइनस ए, वो कितना होना चाहिए? दो। तो दो है डिफरेंस, इसलिए क्या नाम पड़ गए? ट्विन प्राइम, ठीक है। इसमें दो प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरेंस दो तीन चार कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कितने होने चाहिए? डिफरेंस दो होने चाहिए। कोई तकलीफ आपको? ठीक है। अब आगे जो पूछता है सवाल, वो पूछता है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर का सवाल का जवाब ये होगा कि किसी भी संख्या को परफेक्ट नंबर कहा जाता है यदि सम ऑफ फैक्टर जो होता है ना, इज टू टाइम्स ऑफ द नंबर, जिस नंबर का पूछा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उस नंबर के फैक्टर का जब सम हम निकालते हैं, है ना, यदि वो दो गुना हो जाता है, तो द सम ऑफ फैक्टर इज टू टाइम्स ऑफ द नंबर अगर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एग्जांपल में क्या आता है? छः, देख लीजिए चेक करके, वन टू थ्री सिक्स जोड़िए, टू वन थ्री, थ्री सिक्स और सिक्स सिक्स कितना हो गया? ट्वेल्व। सिक्स का दोगुना है, बोले हाँ या ना, तो सिक्स हो गया। दूसरा नंबर कौन सा है? अट्ठाईस। तीसरा संख्या कौन सा हो सकता है? 496 भी है, और एक संख्या और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ 496 के बाद है 8128, ये भी एक संख्या,
ये तो मैंने याद कर लिया है, लेकिन जब इसको जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और मान लीजिए 496 वाला पूछ दे चाहे यही पूछ दे, तो ये चार को ज़्यादा नहीं पूछेगा और बाकी होता है नहीं होता है मुझे मालूम ही नहीं है, ये चार मुझे मालूम है, मैंने आपको डिनोट कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब जानते हैं आगे, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि दो रेशनल नंबर दिए हुए रहते हैं और पूछा जाता है कि इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको ये मालूम होगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर होता है, मान लीजिए एक है ए और एक है बी, ये दो रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट। तो आंसर मैचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैच कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बहुत सारे लोग आंसर मिलाने लगते हैं तो गलती ऐसी हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वो मैच करेगा, वो आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं ए और बी, और इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर दोनों के बीच में? तो इसका तरीका है, क्या है, आप यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे के जो है, के जो डिनोट करेगा इस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें आप दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला मैं जो के यूज करूँगा वो होगा नंबर ऑफ रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल नंबर, यानी जितना नंबर आप निकालना चाहते हैं ए और बी के बीच में, जितना रेशनल नंबर आप निकालना चाहते हैं वो आपका के हो जाएगा। तो ए के प्लस बी, ये फार्मूला लगा लीजिए, और के प्लस बी, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है, ए के प्लस बी और उसके बाद क्या, के प्लस वन। बोलेगा के के जगह पे क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए हमको पहला निकालना है तो वन रख देंगे, दूसरा निकालना है दो, तीसरा निकालना है तीन, और ऐसे ऐसे हम कितना निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, हमने जान लिया है कि इनफाइनाइट होते हैं, तो आप बहुत सारे संख्या निकाल सकते हैं। इसका निकालने का एक और फार्मूला होता है, दो रेशनल नंबर बीच, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है डी निकाल लीजिए। फार्मूला क्या होता है, ये दो संख्या हैं, इन दोनों में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाइए, तो बी माइनस से मैंने कर लिया। उसके बाद जितनी संख्याएं आपको निकालनी, यानी के, उसमें वन जोड़ लीजिए, तो इससे आपको वैल्यू आ जाएगा किसका, डी का वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद आप बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, पहली संख्या आपकी हो जाएगी ए प्लस बी, ए मतलब ये वाला संख्या, और दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगी, ए प्लस टू डी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ए प्लस थ्री डी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ए प्लस फोर डी, और ऐसे आप इनफाइनाइट संख्याएं क्या कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। तो ये भी एक तरीका है दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर आपको निकालने का, ठीक है। लेकिन यदि सवाल आपसे ये पूछ दे कि यदि ये मान लीजिए ए और बी संख्या है और ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसके बीच में आपको फाइंड करना है क्या, ई रेशनल नंबर। तो ई रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, ये कर लीजिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, रूट में पहना दीजिए, मतलब रूट ऊपर से कर लीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए टू और थ्री है और इसके बीच में पूछ रहा है, तो रूट अंडर टू और थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, ए बी मतलब टू थ्री इंटू थ्री गुना करेंगे, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि एक और निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर ए बी एक तो हो गया, उसके बाद थ्री रूट अंडर ए बी आप बोल सकते हैं, उसके बाद क्या, रूट अंडर फाइव ए बी, ठीक है। ये सब संख्याएं आपको क्या हो जाएंगी, इरेशनल का वैल्यू देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर डिसिमल एक्सपेंशन से भी निकलता है, लेकिन ये संख्याएं आपको दे देंगे, यानी वैसी संख्याएं, मतलब जिसका ना परफेक्ट फाइव निकल सके, ना परफेक्ट क्यूब निकल सके, ना परफेक्ट स्क्वायर निकल सके, वो सब संख्याएं क्या होंगी, इरेशनल हो जाएंगी, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट फाइव ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में ये प्रथम भाग था, फर्स्ट पार्ट था, तो इस वीडियो में हमारे इतना ही छोड़ देते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।